प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ एकादश कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से एक एक पाठ्य विषय का आलोचना कर रहे हैं। किसी ने खूब कहा है कि हम जीने के लिए खाते हैं अथवा खाने के लिए जीते हैं। किसी महात्मा ने इसका अत्यंत समय उपयोगी उत्तर भी दिया है कि धनिक लोग खाने के लिए जीते हैं और हमारे समाज में जो गरीब लोग होते हैं वो जीने के लिए खाते हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि धनिक हो या गरीब, भोजन तो सभी लोगों का मौलिक आवश्यकता है। भोजन के बिना हमारा जीवन धारण लगभग असंभव है। चरक और सुश्रुत प्राचीन काल के दो महान चिकित्सा विज्ञानी माने जाते हैं। चरक रचित चरक संहिता चिकित्सा विज्ञान में एक अनमोल रत्न है। प्रस्तुत पाठ चरक संहिता के विमान स्थानम प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से संकलित है। यहाँ प्रयुक्त विमान शब्द का तात्पर्य रोगात्मक दोषों तथा औषधियों के विज्ञान से है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य का मूल आधार समुचित आहार है। भोजन के प्रकार, उसकी मात्रा तथा उचित समय आदि का विधान ही इस अंश का वर्णित विषय है। तो ये कार्यक्रम शाश्वती प्रथम भाग एकादश वर्गाय संस्कृतस्य पाठ्य पुस्तकम के षष्ठ पाठ आहार विचार से ली गई है। इस पाठ को सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर गौतम महाराणा। अस्माकम् अद्य जा विषय अस्ति स विषय भवति आहार विचार। आहार इत्यस्य कः अर्थः? आहार इत्यस्य अर्थो भवति खाद्यम्। आ उपसर्ग हृ धातु घञ् प्रत्यये आहार इति पदं भवति। तथैव विचार इति पदस्य केन प्रकारेण प्रकृति प्रत्यय क्रियते? बी उपसर्ग चर धातु घञ् प्रत्यये विचार इति पदं तत्र भवति। तर्हि आहार विषये विचारः वा आहारस्य विचारः आहार विचारः। आहार इति अहं पूर्वं कथितवान् खाद्यं। खाद्यं विना वयं जीवामः वा न जीवामः? तर्हि एकः श्लोकः अस्ति, वयं स्मरामः। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम् एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समः। पशु आहारं करोति, वयमपि आहारं कुर्मः। पशु भयं करोति, वयमपि भयं कुर्मः। पशु निद्रां करोति, वयमपि निद्रां कुर्मः। तर्हि वयं श्रेष्ठाः किमर्थं? धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। यदि धर्मज्ञानं नास्ति, धर्मज्ञानमिति अस्य कः अर्थः? न वेदानुमोदितं कर्म धर्म। शास्त्रे यत् कर्म अनुमोदितं भवति, वेदाः वदन्ति एतत् कर्म एव करणीयं, शास्त्राणि वदन्ति एतत् कर्म एव करणीयं, यथा यदा वयं तानि कुर्मः तदानीं धर्मो भवति इति जानीमः। यदि धर्मभावं विना पशुना समानः, पशवः यथा भवन्ति वयमपि तथा भवामः। तर्हि तत्र खाद्यं केन प्रकारेण करणीयं, किमर्थं भोक्तव्यमस्ति? हिन्दीभाषया तत्र एकं गीतमस्ति, अन्नग्रहणकरणे से पहले विचार मन में करना है किस हेतु से इस शरीर का पालन पोषण करना है। एक प्रार्थना नित्य तुम्हारी चरणों में लग जाए तन मन मेरा मातृभूमि की सेवा में। वयम अन्नम भुक्त्वा शरीरम स्वस्थम कुर्मः। तर्हि स्वास्थ्यम यदि सम्यक् तिष्ठति तर्हि तत्र वयं धर्मकार्यं कर्तुं शक्नुमः। यतः उच्यते तत्र खाद्यं विना शरीरं न तिष्ठति। तत्र कथ्यतेपि ये शरीरम् आदौ खलु धर्मसाधनं,
शरीरस्य पुष्टिकरणीया, यदि शरीरम सुस्थ भवति सुस्थम भवति तर्हि धर्मकार्यं भवति अन्यथा न भवति। अस्माकं भारतवर्षम् अतीव प्राचीनं राष्ट्रम्, अत्र प्राचीने भारतवर्षे चरक सुश्रुत इत्यादय वैज्ञानिकाः आसन्, वैद्याः आसन्, प्रख्याताः वैद्याः आसन्, स्वास्थ्यविषये ते अनेकानि शास्त्राणि लिखितवन्त। तथैव चरक यत् शास्त्रं लिखितवान् तस्य शास्त्रस्य नाम भवति चरकसंहिता। तत्र विमानस्थानम् इति एकः भागः अस्ति, चरकसंहितायां विमानस्थानम् इति एकः भागः अस्ति। विमानस्थानस्य एकः उपभागः अस्ति रसविमानम्। रसविमानस्य प्रथमाध्यायः भवति आहारविचारः। रसविमानस्य प्रथमाध्यायः भवति आहारविचारः। अत्र विमानमिति किं, वयं सर्वे जानीमः विमानेन तत्र देवाः गच्छन्ति। श्रीरामः विमानेन लङ्कां प्रति गतवान्, पुष्पकविमानेन गतवान्। वायुयानं विमानमिति वयं कथयामः। अस्माकं मन्त्रिणः विमानेन देशान्तरं गच्छन्ति, विदेशं गच्छन्ति। तद् विमानम् एतत् न भवति। अत्र विमानशब्दस्य अर्थः भवति रोगात्मकदोषाः औषधीनां विज्ञानं भवति विमानम्। तत्र स्वास्थ्यशास्त्रे चरकसंहितायां विमानम् इति पदस्य प्रयोगः एतदर्थं कृतः यत् रोगात्मकदोषाः के सन्ति, औषधीनां विज्ञानं किमस्ति, तेन तत्र विमानशब्दः प्रयुक्तः। आयुर्वेदः कथयति अत्यम्बुपानात् विषमशनाच्च संहारणामुत्र पुरुषयोश्च दिवासशज्या निशिजागृतिश्च षड्भिः प्रकारैः प्रविशन्ति रोगाः। यदि अधिकं जलं पिबन्ति तर्हि रोगाः प्रविशन्ति शरीरे। विषम आसने उपविशन्ति, यदि आसनं सम्यक् नास्ति तर्हि रोगाः प्रविशन्ति शरीरे। मूत्र पुरुषयोः संहारणं यदि कुर्वन्ति, यदा आवश्यकं तदा मूत्रं न त्यजन्ति, पुरुषमपि न त्यजन्ति, तत्रापि रोगाः प्रविशन्ति। पुनः दिवा यदि शयनं कुर्वन्ति, रात्रौ जागृताः भवन्ति, तत्रापि रोगाः प्रविशन्ति। अत्र रात्रौ जागरणं नोचितं, दिवा शयनं नोचितं। वयं सर्वे भवन्तः अपि दिवा शयनं कुर्वन्ति, अहं जानामि। जनाः यदि अवकाशः अस्ति दिवा सुखं निद्रां कुर्वन्ति, तेन तत्र किं भवति, रोगाः प्रविशन्ति शरीरे, रोगाः प्रविशन्ति। शरीरं सुस्थं कथं स्यात्, स्वास्थ्यस्य मूलाधारः भवति उत्तम आहार। आहार इति खाद्यम्, अमुक्तवान् आहृघाय इति। अनेन आहार इति भवति उत्तम आहार यदि भवति तर्हि स्वास्थ्यं सम्यक् तिष्ठति, सम्यक् कार्यं वयं कर्तुं पारयामः, अन्यथा कर्तुं न पारयामः। तर्हि भोजनं कतिविधं, केन प्रकारेण भोजनं करणीयं, तत्र मात्रा का भवेत्, समयः कः भवेत् इति ये विषयाः सन्ति। अत्र आहारविचारविषयस्य एतेव आलोच्या विषयाः एतेव बिन्दवः भवन्ति। ये था आहार विचार का पहला भाग। इसका दूसरा भाग देखेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।